Hey guys, welcome to my channel. I am Komal और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप कैसे करें. सो मैं ये एक कंप्लीट सीरीज बना रही हूँ, कंप्लीट मेकअप गाइड फॉर बिगनर्स. इस सीरीज में मैं हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताऊंगी. अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल मेकअप नहीं आता है, तो आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं कंप्लीट गाइडेंस के लिए. सो मेकअप करना एक आर्ट है, एक कला है. आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे मेकअप में. और मेकअप हमेशा ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल दिखे. बिल्कुल ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने बहुत सारा मेकअप पोता हुआ है, आप कुछ अलग ही दिखने लग जा. कभी भी ऐसा मेकअप ना करिए. उसको आप हमेशा टाइम और ओकेजन के हिसाब से करिए. अगर दिन का समय है तो उस दिन के हिसाब का मेकअप करिए. अगर रात का समय है तो रात के हिसाब का मेकअप करिए. ऐसा नहीं कि एक ही मेकअप आप करते हैं, वो आप दिन में भी करते हैं, रात में भी आप वैसे करते हैं, तो वो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है. आपको मेकअप ऐसा करना चाहिए जो लगे ही नहीं कि वो मेकअप किया हुआ है. एकदम नेचुरल दिखना चाहिए, जो आपकी स्किन को सूट करे, जो आपको सूट करे. और मेकअप करने के लिए आप वो प्रोडक्ट्स यूज करें जो आप अपनी स्किन पर टेस्ट कर चुके हैं. आपको पता है कि ये स्किन पे मेरे इफेक्ट नहीं करेगा, वो ही आप मेकअप प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो चलिए हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्लेंजिंग से स्टार्ट करेंगे. तो मेरे पास ये आयुर का डीप क्लेंजिंग मिल्क है, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ. अगर आपके पास कोई और क्लेंजिंग मिल्क हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. एक कॉटन लीजिए, उसे पानी से थोड़ा गीला कीजिए और फिर उसे निचोड़ लीजिए इस तरह. अब क्लेंजिंग मिल्क लेकर कॉटन की मदद से ऐसे क्लीन कर लेंगे हम अपने फेस को. सो मेरे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया था, एकदम क्लीन था. अगर आपके फेस पे ऑलरेडी मेकअप अप्लाइड है तो आप बेबी ऑयल की हेल्प से आप अपना काजल, लाइनर, लिपस्टिक वो सब रिमूव कर लीजिए और अच्छे से फेस वॉश भी कर लीजिए. अगर आपके पास क्लेंजिंग मिल्क नहीं है तो आप सिर्फ फेस वॉश यूज भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम टोनर यूज करेंगे. सो मेरे पास ये VLCC का टोनर है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ. अगर आपके पास टोनर नहीं हो तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हो. गुलाब जल ऑल्सो वर्क्स एज अ टोनर. तो ये मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है. टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमारी स्किन को काम करता है, बैलेंस करता है और मेकअप के लिए एक स्मूदर अपीयरेंस देता है. अब नेक्स्ट हम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे. सो मेरे पास ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर है, मैं ये यूज कर रही हूँ. अगर आपके पास कोई और मॉइस्चराइजर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम अपने लिप को मॉइस्चराइज करेंगे. मैं बोरोलिन यूज कर रही हूँ. आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लिप बाम या फिर वैसलीन यूज कर सकते हैं. अब इसके बाद हम प्राइमर यूज करेंगे. प्राइमर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करके दिखाऊंगी आज. अब तुरंत आप मेकअप स्टार्ट ना करें, आप थोड़ी देर वेट करो. 2 मिनट तक आप वेट करो, उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो. सो हमारी स्किन प्रेप हो चुकी है, मेकअप के लिए एकदम रेडी है. इसके बाद आप मेकअप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं. ये जो आज मैंने आपको रूटीन बताया है, ये रूटीन हमेशा आप मेकअप के पहले फॉलो कीजिए. आपको अगर अपने स्किन से प्यार हो तो आप बिल्कुल ये स्टेप कभी मिस मत करना. और अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप एकदम नेचुरल और फ्लॉलेस दिखे तो आप ये स्टेप को हमेशा फॉलो करो. जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं ये पूरी सीरीज बना रही हूँ, कंप्लीट मेकअप गाइड फॉर बिगनर्स. तो अगर आप
बिगनर हैं तो आप ये सीरीज को बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगला वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन का बेस कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। बाय।